विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित स्टेप 3 पार्ट 2 प्रश्नोत्तर पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित पुस्तिका। क्वेश्चन 176, कौन से जिलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी? उत्तर, पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। प्रश्न 178, ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा? उत्तर, विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा। प्रश्न 179, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए क्या किया जाएगा? उत्तर, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप प्रशिक्षित कार्यकर्त्रियों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रश्न 180, प्रत्येक आंगनवाड़ी का भवन कैसा होगा? उत्तर, प्रत्येक आंगनवाड़ी में समग्र शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। प्रश्न 181, आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचार कैसे बनाया जा सकेगा? उत्तर, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। प्रश्न 182, आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को कहाँ आमंत्रित किया जाएगा? उत्तर, आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल की विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रश्न 183, बाल वाटिका में बच्चे को कितनी आयु में स्थानांतरित किया जाएगा तथा वहाँ शिक्षा का आधार क्या होगा? उत्तर, बाल वाटिका में बच्चे को 5 वर्ष की आयु से पहले स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक होगा जो बच्चे को खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी। ईसीसीई योग्य शिक्षक होगा और बच्चे को खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी। प्रश्न 184, बाल वाटिका में बच्चे में क्या विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? उत्तर, बाल वाटिका में बच्चे में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रश्न 185, दोपहर के भोजन कार्यक्रम को कहाँ तक विस्तारित किया जाना चाहिए? उत्तर, दोपहर के भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। प्रश्न 186, दीर्घावधि में राज्य सरकारों को
आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यवसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था और कैरियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यापक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। प्रश्न 187, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन किन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा? उत्तर, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रश्न 188, छात्रों की कौन सी क्षमता जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है? उत्तर, सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है। यह भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। प्रश्न 189, सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षणों से क्या संकेत मिलता है? उत्तर, विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। प्रश्न 190, बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने की कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से क्यों पिछड़ जाता है? उत्तर, वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच न होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। इसीलिए NCERT और NCERT के द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। प्रश्न 191, प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा? उत्तर, भारत का ज्ञान में। प्रश्न 192, छात्र को सांस्कृत आदान प्रदान कैसे किया जाएगा? उत्तर, विभिन्न राज्यों का दौरा करा के। विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए क्या किया जाएगा? उत्तर, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रश्न 194, भारतीय ज्ञान प्रणाली को छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे? उत्तर, पारंपरिक तरीकों के द्वारा। 195, छात्रों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम में क्या होगा? उत्तर, वन प्रबंधन औषधि प्रथा। 196, बच्चों को वर्ष भर बरसता रहित दिन किस उद्देश्य से दिए जाएंगे? उत्तर, बच्चे स्कूल से बाहर जाकर स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलें ताकि उनकी पढ़ाई को और भी एक्सपोजर मिले। प्रश्न 197, प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तियों को कैसे जानेंगे? उत्तर, वीडियो व चित्र के माध्यम से। 198, भारत का भविष्य आकांक्षाओं को कैसे स्पष्ट करेंगे? उत्तर, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण। 199, विद्यार्थियों को कम उम्र में क्या सिखाया जाएगा? उत्तर,
सही तरीके के महत्व, सही तरीके का महत्व। 200, नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन सा ढांचा तैयार किया जाएगा? उत्तर, तार्किक ढांचा। प्रश्न 201, बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक मूल्यों को कैसे बनाएं? उत्तर, तर्क के माध्यम से। प्रश्न 202, सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, बुजुर्गों के लिए सम्मान, ये सब क्या है? उत्तर, भारतीय पारंपरिक मूल्य। प्रश्न 203, लोकतंत्र को कैसे जानेंगे? उत्तर, भारतीय संविधान के अंशों का अध्ययन करके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में सभी तक कैसे पहुंचेगी? उत्तर, क्षेत्रीय भाषाओं में। प्रश्न 204, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतवर्ष में सभी तक कैसे पहुंचेगी? क्षेत्रीय भाषाओं में। प्रश्न 205, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक कैसे तैयार होगी? स्थानीय विषय वस्तु के आधार पर। 206, रटकर सीखने के बजाय सीखने के किस तरीके पर जोर दिया जाएगा? उत्तर, रचनावादी तरीके से। 207, पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली मूल सामग्री। उत्तर, चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण। 208, शिक्षकों के पास भी अनेक विकल्पों होंगे पाठ्य पुस्तकों के। 209, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है? अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। प्रश्न 210, बच्चों को पंच तंत्र की मूल कहानियों, जातक, हितोपदेश, दंत कथाओं से छात्रों में क्या विकसित होगा? उत्तर, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रश्न 211, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले पदार्थ का बच्चों को कैसे समझाएं? उत्तर, वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पर। प्रश्न 212, मादक पदार्थ क्या होते हैं? उत्तर, शराब, तंबाकू इत्यादि। प्रश्न 213, मादक पदार्थों से होने वाली हानियां क्या हैं? उत्तर, कैंसर। प्रश्न 214, पाठक चर्चा को समीक्षा एवं अद्यतनीकरण कितने वर्ष में होगा? उत्तर, 5 से 10 वर्ष में। प्रश्न 215, किसके परामर्श के आधार पर अग्रणी पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा? उत्तर, अग्रणी पाठ चर्चा तथा राज्य सरकारों, मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार संबंधी विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर तैयार किया जाएगा। प्रश्न 216, किस जरूरत के मुताबिक जो अपनी समुदाय की जानकारी पा सकेंगे? उत्तर, शिक्षण शास्त्रीय शैली। 217, प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रेड 6 और 8th में क्या सिखाया जाएगा? उत्तर, व्यावसायिक शिल्प। प्रश्न 218, व्यावसायिक शिल्प में
कौन कौन से कार्य होंगे? उत्तर, बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि। 219, हाथों से काम करने का अनुभव किससे मिलेगा? उत्तर, अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम। 220, बस्ता रहित पीरियड किस कक्षा के छात्रों की होगी? उत्तर, 6 से 8। 221, बढ़ई, माली, कुमार, कलाकार आदि किसके रूप में काम करेंगे? उत्तर, प्रशिक्षक के रूप में। 222, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को छुट्टियों में क्या सिखाया जाएगा? उत्तर, व्यवसायिक विषय। प्रश्न 223, छुट्टियों में बच्चों को समझने के लिए किस माध्यम का सहारा लिया जाएगा? उत्तर, ऑनलाइन माध्यम। प्रश्न 224, छात्रों को विषय का लचीलापन कैसे प्राप्त होगा? उत्तर, विषय चुनाव विकल्प। 225, विषय चुनाव विकल्प में कौन कौन से विषय हैं? उत्तर, शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प तथा व्यवसायिक विषय। प्रश्न 226, विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में क्या करना होगा? उत्तर, विषयों का लचीलापन होना। 227, लचीलापन से विद्यार्थियों में क्या उत्पन्न होगा? उत्तर, जीवन की योजना के अपने रास्ते तैयार करना। 228, बच्चे किस आयु के बीच में बहुत जल्दी बता सकते हैं? उत्तर, 2 और 8 वर्ष की आयु में। 229, बच्चे किस ग्रेड में 3 में से 1 या अधिक भाषा को बदल सकते हैं? उत्तर, 6 या 7 ग्रेड में। प्रश्न 230, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कौन सी भाषा है? उत्तर, संस्कृत। 231, भारतीय साइन लैंग्वेज को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर, ISL। 232, कौन सी स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी? उत्तर, मिडिल स्कूल स्तर। प्रश्न 233, 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच के विद्यार्थियों को अधिकतम संज्ञानात्मक लाभ किससे होता है? उत्तर, बहुभाषी। 234, किस शैली में सभी भाषाओं को पढ़ना चाहिए? उत्तर, मनोरंजक और संवादात्मक। प्रश्न 235, संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षा और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किस फार्मूले को लागू किया जाना चाहिए? उत्तर, त्रिभाषा फार्मूले को। तो इस वीडियो में 235 प्रश्न तक रिवीजन हुआ। अगली वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू।